नेशनल कांग्रेस जिंदाबाद, इंडियन नेशनल कांग्रेस जिंदाबाद, इंडियन जिंदाबाद, इंडिया जिंदाबाद, नफरत छोड़ो भारत छोड़ो, नफरत छोड़ो जिंदाबाद, जिंदाबाद, इंडियन नेशनल कांग्रेस जिंदाबाद, राहुल जिंदाबाद, राहुल गांधी जी जिंदाबाद, राहुल गांधी जी जिंदाबाद, हम तुम्हारे साथ हैं, नफरत छोड़ो भारत छोड़ो, नफरत छोड़ो भारत छोड़ो, नफरत छोड़ो भारत छोड़ो, इंडियन नेशनल कांग्रेस जिंदाबाद, श्रीमती सोनिया गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जी जिंदाबाद, आदित्य जी जिंदाबाद, एनएस शिवाय जिंदाबाद, एनएस शिवाय जिंदाबाद। गांधी जी जिंदाबाद, राहुल गांधी जी जिंदाबाद, राहुल जी आप आगे बढ़ो, नेशनल कांग्रेस जिंदाबाद, नेशनल कांग्रेस से नाता तोड़ो, राहुल जी आगे बढ़ो, मेरी से नाता तोड़ो, जिंदाबाद, जम्मू कश्मीर की तरफ से आज यहाँ पे कठुआ जिला में आया था। तो जैसा कि आपको पता है कि हमारे नेता राहुल गांधी जी को जो कश्मीर से कन्याकुमारी से कश्मीर तक की यात्रा पे निकले हुए हैं भारत जोड़ो का संकल्प लेके, वो 20 तारीख को यहाँ पे जुड़ेंगे। उसी के अंतर्गत हमने जो हमारा एक अभियान चल रहा है एनएसयूआई जम्मू कश्मीर की तरफ से और नेशनल लेवल पे भी युवा जोड़ो छात्र जोड़ो अभियान भारत जोड़ो के लिए, आज उसी के अंतर्गत हमारे ये भाई आदित्य जसरोटिया जी जिनको आज हमने यहाँ पे ज्वाइन करवाया है और इनको प्रेसिडेंट यहाँ पे घोषित किया है अपने एनएसयूआई की तरफ से। आने वाले दिनों में हम पहले तो उनको बधाई देते हैं, उनकी पूरी टीम को बधाई देते हैं। मैं सबसे पहले बोलूँगा तालियां बजा के अपने प्रेसिडेंट का आप स्वागत करें और उसके बाद इनके ऊपर जिंदाबाद। आज इनको बहुत बड़ी बहुत ही बड़ी जिम्मेवारी इनको मिली है आने वाले भारत जोड़ो में। जब यहाँ पे राहुल जी आएंगे तो ये युवा आप देखेंगे एनएसयूआई के झंडे के नीचे युवा किस प्रकार से युवा शक्ति छात्र शक्ति जम्मू कश्मीर की राहुल जी का स्वागत करेगी। और जो भारतीय जनता पार्टी ने युवाओं के साथ धोखा किया है आने वाले दिनों में पिछले कई सालों से, चाहे 370 के बाद आपको JKSSB के स्कैम, JKPSI के स्कैम, उन सभी स्कैम्स के मुंहजोर जवाब भारतीय जनता पार्टी को एनएसयूआई का यूथ और जम्मू कश्मीर का पूरा यूथ एकजुट होकर यहाँ पे देगा और राहुल जी का हम लोग स्वागत यहाँ पे करेंगे। जतिन मैं जतिन डोगरा नाम है मेरा, मैं कठुआ से हूँ। आज हमने यहाँ पे कठुआ जिला के अंदर हमने एनएसयूआई की ज्वाइनिंग करवाई हमारे साथियों के साथ। मैं ये एक मैसेज देना चाहूँगा सबको कि आप एनएसयूआई ज्वाइन करें, जितने भी हमारा यूथ है, क्योंकि इस समय हम देख रहे हैं जम्मू कश्मीर हो चाहे वो देश हो बेरोजगारी से जूझ रहा है हमारे यूथ हो, चाहे किसी भी फील्ड में बेरोजगारी है, नौकरी हमें बिल्कुल नहीं है, उसके बाद हमारे युवाओं को और भी कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, एजुकेशन में हम लैक कर रहे हैं। इस कारण से मैं जम्मू कश्मीर के यूथ को कहूँगा कि सारे साथ में जुड़े और एनएसयूआई को एक स्ट्रांग ऑर्गेनाइजेशन भी बनाए और साथ में एनएसयूआई के साथ जुड़कर भारत को एक अच्छी राह पर लेकर जाए। जैसे राहुल गांधी जी का एक लक्ष्य है, हमने भारत को जोड़ना है, नफरत को मिटाना है। आज जो हिंदू मुस्लिम की नफरत भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पे देश के अंदर फैलाई है, हम इसको खत्म करना चाहते हैं। इसलिए हम छात्रों से भी एक्सपेक्ट करते हैं वो यूनाइट होकर सारे चले और एनएसयूआई का भी बढ़ाए और अपने आप को भी एक पावरफुल बनाए देश को। प्रेसिडेंट कठुआ डिस्ट्रिक्ट का प्रेसिडेंट बनाया गया है, एनएसयूआई मतलब नेशनल स्टूडेंट यूनियन ऑफ इंडिया का प्रेसिडेंट बनाया गया है और एनएसयूआई हमेशा से हर कोई भी स्टूडेंट इशू हो तो उनके साथ सब कंधे से कंधा मिला के चलती है और हम वादा करते हैं कि आगे से भी हर स्टूडेंट के इशू में कंधे से कंधा मिला के चलेंगे और अगर कोई भी किसी स्टूडेंट को कोई भी चीज़ की प्रॉब्लम हो तो वो हमारे पास आ सकते हैं, हमें बता सकते हैं, हम उनके साथ कंधे से कंधा मिला के चलेंगे। शुक्रिया।
कन्याकुमारी से चला था, 20 जनवरी को कठुआ में पहुंच रहा है, जैसे आप सबको विदित है। और इसी के उपलक्ष्य में हमारा स्टूडेंट विंग जो एनएसयूआई है उसमें हमारे जम्मू से अजय जी जो एनएसयूआई को जम्मू कश्मीर में देखते हैं, और साथ में जतिन जी और आदित्य बिसरोटिया जी जो आज यहाँ पे एनएसयूआई के प्रधान चुने गए हैं, इनके अपने साथियों के साथ हम सब लोग यहाँ 12 जोड़ों में राहुल गांधी जी के स्वागत के लिए युवा वर्ग और खासकर विद्यार्थी वर्ग जो इस समय त्रस्त है बेरोजगारी से और जो एवेन्यूज यहाँ पर स्टेट में नहीं है छात्र छात्राओं के लिए, उसके लिए एनएसयूआई आगे आई हुई है और हम सब इनका स्वागत करते हैं। जिला कांग्रेस कमेटी और हमारे तमाम साथी इनका स्वागत करते हैं और हमें पूरी उम्मीद है मांगों को लेकर जो कांग्रेस भी सचेत है और एनएसयूआई भी हमेशा इनकी मांगों को लेकर आगे बढ़ती है और आने वाले दिनों में इनका बड़ा अहम रोल रहेगा युवाओं का, विशेषकर जम्मू कश्मीर में। हम ये मान के चलते हैं कि राहुल गांधी की यात्रा के बाद जम्मू कश्मीर का जो स्टेट रोड छीना गया है, जो हमारी नौकरियां जो बाहर के लोगों को दी जा रही हैं, हमारी ज़मीनें जो ओने पौने दामों पे लोगों दी है, सब पे अंकुश लगेगा और उसके लिए युवाओं का हमें सपोर्ट चाहिए और स्टूडेंट छात्र छात्राओं के साथ हम सब कुछ करेंगे। अलग अलग वीडियो भेज देना सारे कुछ लाएगा, जो जितने मीडिया की एक्सेस पे हो गए ना सारे वीडियो पार कर रहे हैं। आप लोगों ने यहाँ पे राहुल गांधी का इस प्रकार से स्वागत करना, मैं भी जम्मू से अपनी टीम पूरी लाऊंगा और लड़के यहाँ से भी आएंगे और वहां पे एनएसयूआई का झंडा, जैसे आप देख रहे हैं, आप कोई भी वीडियो देखिए एनएसयूआई का झंडा सबसे आगे दिख रहा है, तो हम वो पीछे नहीं हटेंगे, हम बढ़ चढ़ के ऐसा प्रोग्राम देंगे कि याद रखे कि एनएसयूआई ने यहाँ पे अपना नेता का वेलकम किया था और जम्मू कश्मीर जैसी स्टेट में जहाँ पे इतनी इस टाइप की मुश्किलें चल रही है उसमें भी हम लोग आपका वेलकम करेंगे, आपके साथ है, आपने किसी चीज से घबराना नहीं है, हम भी स्टूडेंट हैं, आप भी स्टूडेंट हैं, आपने ये नहीं घबराना कि वहां से लड़के लाने तो कैसे लाएंगे, वो आप लड़के इकट्ठे करिए, पहुंचाने कैसे हैं, लाने कैसे हैं, रखने कैसे, वो हमारी जिम्मेवारी, मैं आपको अश्योर करता हूं। आप काम करिए, आज से कुछ भी होता है फोन करिए, ग्रुप में आप मैसेज करिए, हम आपके साथ हैं, रात को फोन करोगे रात को खड़े होंगे, सुबह को फोन करेंगे सुबह आएंगे, लेकिन संकल्प हमारा जो है 12 जोड़ों का उसको हमने कामयाब करना है। इन्हीं शब्दों का वेलकम और सभी भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने आज आके यहाँ पे इस मीटिंग को, आपने मुझे चुना इस पद के लिए और मैं पूरे होश जोर से इसका पालन करूंगा, इसके एनएसयूआई के साथ चलूंगा और इसका पूरा आदर करूंगा। और दूसरा कि जो 12 जोड़ो यात्रा जो राहुल गांधी जी ने चलाई है और जो 20 जन को हमारे लखनपुर में एंटर करेंगे, तो हमारी टीम की, मेरी और मेरी पूरी टीम की, हम सभी जाएंगे, उनका स्वागत करेंगे आदर मान से, सभी उनका स्वागत करेंगे। तो और किसी भी स्टूडेंट को कोई इशू हो, कोई कॉलेज का इशू हो या कोई भी इशू हो, तो उसकी भी हम पूरी कंधे से कंधा मिला के चलेंगे और उसकी मदद करेंगे, पूरा उसके साथ हम चलेंगे। शुक्रिया। मैं चाहूंगी कि आप सभी लोग भारत जोड़ो यात्रा को लेकर इतने सीरियस हो और उसके लिए काम करें, क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा एक ऐसी यात्रा है, ये कोई पॉलिटिकल अगर हम इसको फेस दें तो वैसा कुछ नहीं है, ये सब आप स्पेशली ये यूथ के लिए, जिस तरह से आज यूथ का गला घोटा जा रहा है, आज यूथ के लिए कोई जॉब नहीं है, चाहे हम बात करें या जैसे भी बात करें, आज हर एक यूथ, मैं तो भाजपा को उठाने वाला यूथ ही था, लेकिन आज वही यूथ दर बदर है और यूथ को समझ आ चुका है कि अब उनको किस तरह से आगे स्टेप आउट करना है। तो आप सभी को मैं कहूंगी कि आज जो ज्वाइनिंग जो आप लोगों ने की है, जो नए यूथ जो एनएसयूआई के साथ जुड़ा या कांग्रेस के साथ जुड़ा है, तो सीरियसली इस चीज को ले, क्योंकि हमारे देश में या पूरे देश की बात करें या प्रदेश की बात करें, हालत देख लीजिए आप किस तरह से आज चीजें हो रही है, तो आप सब लोग इस तरह से मिलजुल कर आगे आओगे तो आई थिंक देश में कुछ सुधार हो सकता है। और जिस तरह की ये नीतियां अपनाई जा रही है पूरे देश में, हमारे जम्मू कश्मीर में जिस तरह से हमारे रोजगार छीने जा रहे हैं, हमारी जमीनें छीनी जा रही हैं, आप सभी हम सभी यूथ की नौकरियां छीनी जा रही हैं, तो आप लोग अगर बढ़ चढ़कर आप लोग ही साथ में मिलकर आगे आओगे, आवाज उठाओगे, तो ये चीजें चेंज हो सकती है। और भारत जोड़ो यात्रा के लिए सभी आएंगे तो इस यात्रा को हम सक्सेसफुल करेंगे और राहुल गांधी जी का जो स्वागत है हम बहुत भव्य तरीके से करेंगे। मैं आपको अपना इंट्रो बता देती हूँ, जो बाहर भी यूथ खड़ा है, मैं बनी से हूँ, काजल राजपूत मेरा नाम है और
बनी में भी मैं आप सभी लोगों को इनवाइट करना चाहूंगी। अजय सर आप प्लीज वहां पर भी आए, आप सब वहां पर आए और हम वहां पर आपको अच्छी टीम तैयार करके देंगे। एनएसयूआई हो या कोई भी हमारे कांग्रेस के जितने भी दल हैं, हम सभी मिलजुल कर काम करेंगे और स्ट्रॉन्ग कांग्रेस पार्टी को बनाएंगे प्रदेश में। गोत्रा जी और उसके साथ जतिन जी और आज जो नए प्रधान चुने गए हैं रितेश सुरगे जी, इन सबको मुबारकबाद भी है और इनका धन्यवाद भी है जो एनएसयूआई की टीम जम्मू कश्मीर से यहाँ आई हुई है। और आने वाले दिनों में जैसे आपको की विदित है कि राहुल जी 20 जनवरी को J&K में एंटर कर रहे हैं भारत जोड़ो यात्रा को लेकर, उसको लेकर तमाम वर्गों में एक बड़ा उत्साह है, विशेषकर युवाओं में, महिलाओं में, बच्चों में, सब में। हम सब लोगों को उनके साथ चलना है, लखनपुर से लेकर चलना है और पूरा अपना जिला कठुआ का जो राजमार्ग है उनका यहाँ पर विश्राम भी रहेगा। आपके डेपुटेशन उनसे मिलवाएंगे, आप सबसे उनकी मुलाकात भी करेंगे और देश में और प्रदेश में जितनी भी जन समस्याएं इस समय चल रही हैं उन पर बड़ा सीरियसली बात भी होगी। और जो युवा हमारे यहाँ पर फेस कर रहे हैं जम्मू कश्मीर में, हम कोई ना कोई उसका हल निकालेंगे। और हमें लगता है कि जैसे आज यहाँ पे डिग्री कॉलेज कठुआ है और ये डिस्ट्रिक्ट के प्रेसिडेंट बने आदित्य जी, ऐसे ये बनी बसोली करके काश जी आए हुए हैं, ये बसोली से हैं, काजल राजपूत जी बनी से हैं, तो आप इनसे तालमेल रखें, अपना जो बनी डिग्री कॉलेज या बसोली या बिलावर हीरानगर हर जगह अपने यूनिट जो स्थापित कीजिए ताकि 20 से पहले आप एक अच्छा मजबूत संगठन भी हो जाए और उनको लगा कि जैसे पूरे हिंदुस्तान में आप देख रहे हैं कि NSUI सबसे आगे है, तो यहाँ भी उनको लगे कि जम्मू कश्मीर में भी आप अग्रिम पंक्ति में हो, तो उसके लिए हम सब काम करेंगे, हमारा पूरा सहयोग आपके साथ है। आपको भी यहाँ कॉलेज प्रशासन की तरफ से या जिला प्रशासन की तरफ से अगर डिग्री कॉलेज में कोई भी समस्या आती है तो हम आपके साथ खड़े हैं और हम आपका सबका पूरा साथ देंगे। और हमें पूरी उम्मीद है कि भारत छोड़ो यात्रा में जितने दिन राहुल जी 2 दिन यहाँ पे रहेंगे, आप में एक एनर्जी है, आप उसको चैनलाइज कर सकते हो, तो 2 दिन जैसे वो एक टी शर्ट के साथ है, आप जैकेट वैकेट भी पहन सकते हो वैसे, और आप पूरा उस जोर और उस एक जज्बे के साथ आप लोग हम लोगों के साथ चलेंगे। एक बार फिर से मैं अजय जी और जतिन जी का द्वारा से शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस के कार्यालय में आए और आप सबसे रूबरू होने का मिलने का भी मौका मिला और आपने अपने अनुभव भी जो साझे किए हैं हम सबको लिए और आने वाली जनरेशन के लिए कि कांग्रेस का जो फ्यूचर है वो नौजवानों के हाथ में है, हम सब आपको आगे लेके चलेंगे, आगे बढ़ाएंगे और आपके साथ रहेंगे।